जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, किस कोर्स को करने के बाद हमें जल्द से जल्द जॉब मिले, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जॉब ऑप्शंस हो। तो आज मैं आपको 8 ऐसे कैरियर ऑप्शंस बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आप जल्द से जल्द जॉब मिलेगी, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होगा। और ये वो कोर्सेज है कि आपने अपना ट्वेल्थ किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के डेट में ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। सब सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? कंप्यूटर पर डिपेंड करती हैं। कोई भी आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस है, सभी की अपनी वेबसाइट है, ऐप है, तो इन सबको जो बनाता है वो कौन बनाता है? आईटी फील्ड के बंदे बनाते हैं। तो एक बीसीए वाले बंदे का कभी भी जो आपका स्कोप है कम होने वाला नहीं है, हमेशा इसमें जॉब ऑप्शंस रहने वाले हैं, अच्छा खासा इसमें सैलरी पैकेज होता है, आप अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, तो आप बीसीए कर सकते हैं। आज की डेट का सबसे बेस्ट कोर्स है। तो बीसीए करने के बाद में क्या क्या जॉब ऑप्शन है, बीसीए कोर्स क्या होता है, यदि आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप प्लेलिस्ट से या आप आई बटन से देख सकते हैं। बात करते हैं साथियों दूसरे कोर्स के बारे में। तो दूसरा कोर्स है, आप क्या कर सकते हैं? बीजेएमसी कर सकते हैं, यानी कि आप किसकी तरफ जा सकते हैं? जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आज की डेट में जो स्कोप है काफी अच्छा है, इसमें आप अपना भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि आप बीजेएमसी कर सकते हैं, काफी अच्छा कोर्स है, मीडियम में आप अपना करियर बना सकते हैं, जॉब ऑप्शन भी काफी ज्यादा है। बात करें साथियों तीसरे कोर्स की, तो यदि आपको टीचर बनना है तो आप ट्वेल्थ के डायरेक्ट बाद क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, यानी कि बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो आपका एक साल बचेगा और साथ के साथ आपको जो टीचिंग स्किल्स हैं वो आपका फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई जाएंगी, यानी कि आपका जैसे ही 3 साल कंप्लीट होगा तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और 1 साल बाद किसकी डिग्री मिल जाएगी? बीएड की। तो यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, 4 साल का आपका बीएड होगा, इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही क्या पढ़ाया जाएगा? बीएड के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो यानी कि आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा 4 साल में। आपका 4 साल में 2 डिग्री आपके पास होंगी और आप आराम से जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के लिए वो आप दे सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ कैरियर ऑप्शन की, तो आपको यदि कानूनी पढ़ाई करनी है, आपको जज बनना है, एडवोकेट बनना है, कंपनी का लीगल एडवाइजर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटेड एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, आप बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं। इस कोर्स का भी जो स्कोप है काफी अच्छा है, इसमें भी कैरियर काफी अच्छा है, तो आप इंटीग्रेटेड लॉ भी कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो ये स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट से अलग दी जाती है, यानी कि इसको सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी जाती है। बात करें साथियों फिफ्थ कोर्स की, तो आप फिफ्थ कर सकते हैं साथियों, बीबीए कर सकते हैं। यदि आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, कंपनी में आपको जाना है, प्राइवेट कंपनी में, तो आप क्या कर सकते हैं? बीबीए कर सकते हैं, या आपको अपना बिजनेस करना है तो बीबीए भी आज की डेट में काफी अच्छा कोर्स है, काफी पॉपुलर कोर्स है, तो बीबीए आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी कोर्सेज पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यदि आपको किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों सिक्स कोर्स की, तो आप नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। आपने अपना ट्वेल्थ किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप नर्सिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं और जीएनएम का डिप्लोमा कर सकते हैं, और अपना मेडिकल की फील्ड में करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों सेवंथ कैरियर ऑप्शन की, तो सेवंथ साथियों आप बीए कर सकते हैं। आपने ट्वेल्थ आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप बीए कर सकते हैं। बीए मेरा फेवरेट कोर्स है, वो इसलिए है कि बीए ही एक ऐसा कोर्स है जिसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप अपना चाहे वो जॉब कर सकते हैं। तो बीए के साथ साथ आपको यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो बीए ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको समय मिल जाता है पढ़ाई करने का, तो बीए आप कर सकते हैं। बात करें साथियों एट कोर्स की, जो लास्ट कोर्स है वो है आपका डिप्लोमा
डिप्लोमा कोर्सेज, आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, आपको 3 साल का आपको समय नहीं देना है, आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड है, इसमें भी आप डिप्लोमा कोर्सेज करके आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद में आप अपना योगा में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज करके करियर बना सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको किसी एक और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो या आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।